अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल आप सबको? होप करूँगी आप सब खैर खैरे से होंगे। अल्लाह पाक की रहमत और फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह का आगाज़ हम लोगों ने नाश्ते से किया। नाश्ते में इतनी ज़्यादा मिठाई कहाँ से आई होगी, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि मेरा भतीजा पैदा हुआ है और उसकी खुशी में हम लोग वहाँ उसे देखने गए थे। तो मिठाई का डब्बा उन्होंने दिया था और भी काफ़ी सारा इंतज़ाम किया हुआ था हॉस्पिटल में उन्होंने हमारे लिए, लेकिन मैंने वहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा चलो घर जा कर आप सबको दिखाऊँगी। ये देखिए जी, कुछ मिठाई हम लोग खा चुके हैं, कुछ अभी नाश्ते में नाश्ता करने लगे हैं। तो वहाँ देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। यहाँ पे जी हम लोग बेबी को घर मिलने गए थे, तो यहाँ पे जो उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। बेबी का फेस मैं रिवील कर नहीं सकती। तो होप करूँगी आज का मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। आगे घर जाके मिलते हैं आप सबको। सुबह नाश्ते के बाद मैंने कोई भी क्लिप शूट किया ही नहीं, तो लाइट गई है, मक्खियों ने बड़ा तंग कर चले। यहाँ पे जी वाइट राइस, इसके अंदर मैंने दही शामिल किया, दही है हमारे पास गाढ़ी गाढ़ी दही, साथ में खीरा है, सैलड में आलू मटर का सालन है, साथ में ये जो घर में सिंपल आलू का पुलाव बनता है वो है, साथ में वाइट राइस है। तो ये जी हमारा दोपहर का खाना, मैं और अबू खाना खा रहे हैं, भाई जो है वो अभी खाना नहीं खा रहे। किचन की कुछ इस तरह की सूरत हाल है, दिन काफ़ी सारा हो चुका है, यानी कि तकरीबन 11-12 का टाइम होगा, हम खा रहे हैं दोपहर का खाना। शाम का टाइम हो चुका है, यहाँ पे मैंने गोलगप्पे मंगवाए हैं, साथ में उसके पानी भी मंगवाया, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, सारे मिलके बैठ के गोलगप्पों की पार्टी करेंगे। आज का ब्लॉग बस इतना ही है, यहाँ पे एंड करूँगी। तमाम देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।